जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मौसम तब्दील होता है तो उसके साथ हमारा रहन सहन, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन, हमारी खाने की चॉइसेस, हमारी कपड़ों की चॉइसेस जो है वो तब्दील हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आज एक ऐसे मौजू पे बात करूंगी जो कि बहुत अहम है और हम में से बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम बहुत अरसा इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वक्त के साथ, मौसम की तब्दीली के साथ हमारा मूड जो है वो कैसे तब्दील होता है। अगर आप इसी किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आई एम आमना इफ्तखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमा एंड एवर केयर हॉस्पिटल वापटा टाउन। इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया, जिसमें मैं मुख्तलिफ नफसियाती मसाइल के जो है उसके मुतल्लिक आपको असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट की सर्विसेज मुहैया करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि जैसे ही सर्दियाँ आती है, जैसे ही मौसम ठंडा होता है, तो हमने अक्सर ये देखा है कि लोग एक उदासी का शिकार हो जाते हैं या हमारा मूड लो रहना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, आपका दिल कर रहा होता है कि आप किसी से बात नहीं करें, आपके जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं वो भी इससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ़ मौसम की तब्दीली होती है या ये भी किसी नफसियाती मसले की एक वजह या अलामत हो सकती है? तो बिल्कुल, ये हमारे मूड जो होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो मौसम के साथ रिलेट कर रही होती है। और जैसे ही सर्दियाँ आती है या विंटर आता है, तो आपने अक्सर एक लफ्ज़ या टर्म सुनी होगी, विंटर ब्लूज़, कि आपके मूड स्विंग ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करूँगी और अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो मरहम की तरफ से आपको फ्री ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत फ्राहम की जाएगी। सर्दियों में लोग चिड़चिड़ेपन का ज़्यादा शिकार होते हैं। सर्दी के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आइसोलेशन का शिकार हो जाते है या उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब अलामात को हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, कि मूड आपका जो है वो मौसम की तब्दीली के साथ तब्दील होता है। इसको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि अफेक्टिव हम बोलते हैं कि आपका एक मूड होता है, आपका एक टेम्परामेंट होता है। तो इसके सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसमें सिम्टम ये होता है कि लैक ऑफ एनर्जी, जिसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि सर्दियों में आप विटामिन डी के जो है वो कमी का शिकार हो जाते हैं, सनलाइट आपको कम मिलती है, दिन का दौरानिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक सैडनेस की जो कैफियत होती है वो आना शुरू हो जाती है। दूसरे इसके सिम्टम आते हैं कि इसमें जैसे आपकी एनर्जी ड्रॉप हुई है, उसी के साथ आपका मूड लो रहता है। लो मूड एक डिप्रेशन का या सैडनेस का सिम्टम होता है, जिसमें आप कम बोलते हैं, आपके डेली रूटीन के जो कामकाज होते हैं उसमें आपके एनर्जी लेवल्स नहीं आपको इजाज़त दे रहे होते कि आप उन कामों को कर सकें। और तीसरी चीज़ होती है कि जब आप आइसोलेशन का शिकार होते हैं तो आप लोगों से बात कम करते हैं, जब आप दूसरों के साथ आपका कांटेक्ट कम होता है तो अक्सर औकात लोग ओवरथिंकिंग का या खुद कलामी का शिकार हो जाते हैं या वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो सिम्टम होता है कि इसमें आप इमोशनल ईटिंग का शिकार हो जाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को विंटर ब्लूज से बचाना चाहते हैं या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से बचाना चाहते हैं, एक तो विटामिन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें विटामिन डी अगर आप लेते हैं तो आप इसके महफूज रह सकते हैं। दूसरा, हमेशा जैसे ही आपका मौसम चेंज होता है, आपका सीज़न चेंज होता है, तो इसके साथ हमने कुछ प्लानिंग करनी होती है, अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी होती है जो आपको एनर्जी दें, जिनमें नट्स एक बहुत बेहतरीन सोर्स है जो आपको एनर्जी देते हैं, और इसकी वजह से आप अपने आप को इस अफेक्टिव डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं एंड पर आपसे एक क्वेश्चन करूंगी और अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो मरहम की तरफ से आपको ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत दी जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से सर्दियों में हम उदासी का शिकार होते हैं या अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं? अगर आप किसी भी किस्म के जहनी मसाइल का शिकार है या आप कोई फैसला करना चाहते हो और
आप काउंसलिंग की सहूलत लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपने डॉक्टर के साथ जो है वो ऑनलाइन या इन पर्सन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।